हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में इस तरह के गोपाल जी के लिए हम ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। ये मैंने 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है ड्रेस। 4 नंबर को भी ये ड्रेस आप डाल सकते हैं, 5 नंबर के भी गोपाल जी में ये आपकी ड्रेस आराम से आ जाएगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाना बताया है आपको, और साथ में मैंने ये एक चोली बनाई है। चोली भी हमारी सिंपल सी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने 11 इंच रखी है। इसको मैं पहले खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 11 इंच इधर से है, और इधर से भी अगर हम नाप के देखते हैं तो ये देखिए हमारी 11 इंच है। अभी इसको मैंने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में ये हमारा 11 का आधा 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से रख रख के मैंने ये 5.5 इंच पर ये इस तरह से गोल सर्कल शेप में घुमा घुमा के डॉट लगा के इस पर सर्कल निशान लगा लिया है, मार्क लगा लिया है। और यहाँ से मैंने 1 इंच से भी थोड़ा सा कम ही लिया है, कम नहीं लिया है, ये देख सकते हैं। ये पूरा मैंने 1 इंच लिया है। तो ये जो अंदर वाला लाइन है इसको हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसको कटिंग कर लेती हूँ मैं। अभी इस तरह का कपड़ा है हमारे पास में। इस ये जो हमारा बुकरम है ये हमारा चिकना साइड है और ये हमारा रुखड़ा साइड है। तो ये चिकना साइड को अंदर की साइड रखेंगे। रखने के बाद में इसके ऊपर से अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा। तो चलिए इतना कर लेती हूँ, फिर इसके बाद बताऊँगी। इस पर मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है बुकरम पर, और ये हमारा उल्टा साइड है और हमारा ये सीधा साइड है। आप ये देख सकते हैं, क्लियर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी 1/2 इंच बड़ा इसके इसी में का कपड़ा जो था उसके ऊपर रख करके मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड कर करके इस पर हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। तो चलिए मैं सिलाई लगाती हूँ और दिखाऊंगी भी आपको। उससे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूँ कि मैंने नेट का फैब्रिक लिया है और इस पर ये हमारे इस तरह का वर्क बना हुआ है। इसकी चौड़ाई एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई देखिए हमारी 6 इंच है। जब मैंने ये सर्कल कट किया है तो ये हमारे 5.5 इंच का है, तो इसको 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 6 इंच का ये हमारा सर्कल हो गया। इसकी लंबाई जो मैंने रखी है वो है हमारी 88 इंच, यानी 88 इंच। हमारा एक ही पीस है सर्कल, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक इस तरह का सर्कल रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप अलग अलग पीस को लेकर के भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ये इस तरह का मेरे पास लंबा एक ही टुकड़ा था ही, तो आज मैं इसी से बनाना ड्रेस आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले मैं इसको सिलाई करूँगी सर्कल को, इसके बाद में फिर आपको आगे बताऊँगी कि इसके बाद हमें कैसे बनाना है। इस तरह से कपड़े पर मैंने कहीं कहीं आलपिन लगा करके इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अगर आप नए नए भी देख करके सिलाई करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इसको सिलना शुरू करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम गोल घुमा देंगे और इसके बाद इसको इस तरह से हम सिलेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और आराम आराम से इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम इसको पूरे को सिलाई लगा लेते हैं सर्कल को, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से इस पर मैंने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा में हमारा ये दिख रहा है
तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हम कट करके निकाल देंगे। और ये ध्यान रखें कि हमारा इसमें कोई कपड़ा हो या बुकरम वगैरह हो वो ना कटे, अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लिया है। अगर आप पहले से सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा कम भी इसका सर्कल कट करेंगे तो आप अच्छे से सिल लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आपको बताऊंगी। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कहीं से भी एक साइड से इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद में इसको खोलेंगे और जो ये लंबा लाइन देख रहे हैं यहाँ पे हम लकीर बना देंगे इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारा दिख रहा है ये देखिए गोल, एक बार यहाँ पर मैं सर्कल बना देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे सिलाई करने में भी इजी हो जाए इस तरह से। ये वैसे भी आप जब सिलाई लगाएंगे तो ये आपको दिखता है, तो ये किनारी किनारी इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, लगाने के बाद मैं फिर आपको बताऊँगी। यहाँ से सिलाई लगाना मैं शुरू करूँगी। यहाँ आऊँगी, इसके बाद यहाँ से हम किनारी किनारी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से गोल घुमा घुमा के। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने ये लाइन लगाया है ठीक उसी पर सिलाई लगा कर करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बीचों बीच यहाँ से हम कट करेंगे। जैसे ये कमर के कटिंग करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि कमर के कटिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको साइड में रखेंगे और जो ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया था ये वाला, तो इसको इस तरह से इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। पहले इसको हम फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर ये इस तरह से एक एक रख रख के इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से, तो चलिए इसको सिलती हूँ मैं पहले इस तरह से। यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसके नीचे हम रखेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको रखने में दिक्कत होगा तो आप किसी चीज़ की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरह से चलिए पूरे प्लेट पर अब हम चुनट बना लेते हैं। बनाने के बाद में फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से इस पर पूरे पर मैंने प्लेट दे करके इसको कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा घेरा इस पर बैठ गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बेस था ये बेस के ऊपर इसको हम इस तरह से यहाँ से इसको रखेंगे। रखने के बाद में इसको गोल इस तरह से शेप में राउंड में ले करके हम इस पर अटैच करके ये देखिए हमारा ये यहाँ तक आ जाएगा। इस पर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलूँगी और दिखाऊँगी आपको। सबसे पहले इस घेरे को लेंगे, इसमें सीधा और उल्टा देखेंगे तो ये हमारा सीधा है और ये जो है हमारा उल्टा है। घेरे में भी ये नेट में भी हमारा इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। इसको यहाँ से हम रखेंगे और रखने के बाद में ये जो फोल्ड हिस्सा है इसको यहाँ से रख करके इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले यहाँ से मैं इसको सिलूँगी।
इसके बाद इस तरह से इसको हम यहाँ पर रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम घुमा घुमा के इस पर रखने के बाद में इस पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसको घुमा घुमा के इस तरह से इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई किया, इस तरह से इसको गोल घुमा घुमा करके ये पूरे सर्कल पर हम सिलाई लगाएंगे। और जब ये लास्ट में यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमारा जो फोल्डेड हिस्सा है इस तरह से इसको हम सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर से इस पर हमार कमर पर सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये हमारा ये इस तरह से हम वन बाय वन इस तरह से चुन्नट बैठाते हुए सब पर अब हम सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ से। इस पर जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे चुन्नट गया है ये देख सकते हैं आप, इसको उस तरह से हमें सेट करना है। ये नहीं कि यहाँ का चुन्नट को खींच के इधर करेंगे तो इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। अब ये हमारा चुन्नट इधर आ रहा है तो यहीं से हम इसको इस तरह से बैठाएंगे। इस तरह से हम ले लेके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलती हूँ मैं पहले इसको। ये हमारा किनारे का जो सिलाई है ये दिखता है तो यहाँ से इस तरह से करके हम सिलाई लगाएंगे इस पर। और फिर नेक्स्ट वाला हम इस तरह से थोड़ा सा पहले ही लेके हम इस पर चुन्नट बैठा देंगे। इस पर जो वर्क बना है ये कड़क है, यहाँ पर जब आप फोल्ड करेंगे तो जो हमारा सिंपल नेट आता है उस तरह से नहीं है। इसकी जो प्लेट है थोड़ी कड़क हो रही है क्योंकि इस पर छोटे छोटे दाने से हैं उसका वर्क बना हुआ है। तो चलिए इसी तरह से पूरे कपड़े में हम चुन्नट दे लेते हैं। देने के बाद में फिर आपको रेडी करके दिखाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर से हमारे इस पर चुन्नट डलते जा रही है। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं इसको पहले। इस तरह से ये देखिए इस पर कितने अच्छे से हमारी चुन्नट दे करके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये एक्स्ट्रा नेट है इसको हम कट करके इसको निकाल देंगे। करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा नेट है इतना ही कटे, ये जो हमारा फैब्रिक है यानी जो अस्तर लगा हुआ है हमारा ये ना कटे। ये इस तरह से हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो चलिए कर लेती हूँ पहले। इस तरह से
ये पूरी बुकरम की जो किनारी है इसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब देखिए पीछे से देख लेते हैं, ये हमारे पूरे राउंड पर सिलाई लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा नेट हमारा दिख रहा है इसको हम कट करके कमर पर जब हम कपड़ा लगाएंगे तो उसके लिए फिनिशिंग के लिए कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से जो बीच की कमर की एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसी में कि मैंने एक प्लेन पट्टी कट की हुई है इसको हम उल्टा साइड से रखेंगे और रखने के बाद में ये कमर पर यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से रख करके इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमारा कमर पर कपड़ा लग करके कंप्लीट है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा सीधा हो गया। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम कट करके निकाल देंगे और निकालने के बाद में इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद में इसमें हम गोल्डन डोरी डालेंगे और गोल्डन डोरी डाल करके इस तरह से हम फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से कमर की सिलाई लगाएंगे। का जो कपड़ा होता है उस पर जब सिलाई लगाते हैं और डोरी को देखते हैं तो हमारा डोरी दिखता है, तो इसलिए इस डोरी पर सिलाई नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इस पर हमारी सिलाई ना लगे। बहुत अच्छा फिर आती है। तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कमर की फिटिंग आ गई है। और देखिए ये हमारी डोरी भी सरक रही है, ये नेट का है तो आपको क्लियर ही दिख रहा है। तो अभी हमारा नीचे का घेरा बन करके कंप्लीट है। अब चलिए चोली बनाना बताएंगे आपको। चोली बनाने के लिए इसी में का मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी एक बार लंबाई मैं बता दूँ आपको 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 3 इंच रखी है। अब क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा इधर के साइड से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इधर के साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से एक पट्टी की तरह इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलती हूँ इसको पहले मैं। की तरह सिलाई करने के बाद में इसको हम बीचों बीच इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद में इसको यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सा तिरछा सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए ये हमारी चोली बन गई है। इस पर एक हम गोल्डन डोरी लगा देंगे यहाँ पर बांधने के लिए। तो चलिए उसको भी लगा लेती हूँ। और इसी में कि चोली बना करके मैंने ये देखिए कितनी प्यारी और सुंदर सी कंप्लीट कर दी। तो ये हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डेकोरेट करेंगे। तो इस पर लेस वगैरह आप जैसा भी लगाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से लगा लेंगे। तो चलिए मैं जैसा लेस रखी हूँ उसको लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का लेस मैंने रखा है, फैंसी लेस। इसको हम इस तरह से घुमा घुमा के किनारी पर सर्कल शेप में इसको सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिल लेती हूँ, सिल करके फिर आपको रेडी करके दिखाऊंगी। लेस लगाते हैं तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लेस है ये गोल सर्कल में घूम रहा है और लेस हमारी सिंपल प्लेन है, सीधा लेस है। तो ये हमारी कैसे लगाएं कि ये हमारा इसका जो
फिनिशिंग है अच्छे से है। तो लेस को थोड़ा हमें यहाँ पर चाहे तो आपको हल्का सा चुन्नट की तरह देना पड़ेगा, या तो आपको इसको लूज रख करके इस पर सिलाई लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ इस पर। देखिए कहीं भी लेस हमारी ना पलटेगी ना कुछ भी होगी, बहुत ही आराम से इस पर लग जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा हम लूज कर देते हैं ताकि चुन्नट की तरह हो जाएगा। आपको चुन्नट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो हो जाता है। ये देखिए जब पूरे पर लग जाएगा लेस तो फिर हम आपको रेडी करके दिखा रहे हैं। तो ये ड्रेस पर लेस लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, और देखते हैं आपकी फाइनली हमारी ड्रेस बन चुकी है। अगर इस पर स्टोन वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क ही बना है इतना सुंदर है, प्यारा है, शाइनिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये इस तरह से हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। ये देखिए कमर का जो नाप है, घेरा है, ये भी काफ़ी छोटा है। जैसे कि 4 नंबर के लिए मैंने बनाया है ड्रेस, तो कमर 4 से 5 नंबर के गोपाल जी में आप डाल देंगे आ जाएगी, और उनके अकॉर्डिंग मैंने चोली बना करके आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताएं कि आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।